की हमारे गलियों के जो मसले हैं उसको अगर हल नहीं करे तो किसी से डरने वाली बात है ना, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से डरना है ना, आपको पुलिस डिपार्टमेंट से डरना है, अगर आप हक पे हैं तो। बीजेपी एमएलए मोर्चा पास, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर मोर्चा पास। आप अब तक कांग्रेस को देखे, बीजेपी को देखे, ये लोगों को देखे कि फेलियर्स को देखते गए आप लोग, इस बार जेडीएस को साथ दीजिए। मोदी को मैं पढ़ता था, इनको पहली फुर्सत में इसको कमिश्नर को हटाना है। अगर मैं ओपन चालक दे रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने अगर गली का मसला हल नहीं करे, नाली का, रोड का जो भी मसला हल नहीं हुआ, तो उसके आगे जो होगा हम देखेंगे। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. इसलिए कि ना तो ये का कॉर्पोरेटर, ना तो आवाम के मसाइल को समझ रहा है, ना तो ये कमिश्नर समझ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये लोग जो है क्वार्टर मारकर सोए हुए। क्या किए हुए? क्वार्टर मारकर सोए हुए। अरे फिर सोए हुए वो जगाओ, पानी डालो तो जाग जाता है, लेकिन पता नहीं ऐसी अपने की नींद से ये लोगों को हम कैसे जगाए। लेकिन अब हम मैदान में आ गए हैं, हम अपना हक लेकर आए हैं। बोलो लेंगे लेंगे, साथ लेंगे लेंगे। ये मत देखो कि हमारे साथ सारे लोग हैं, ये देखो कि हमने कितना आदम, हमने कितना आदम है। मैं चाह रहा कि कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, डोंट फॉलो द मेजॉरिटी, फॉलो द राइट वे। आप फॉलो मत करो, आप राइट वे को फॉलो करो। जो रास्ता सही है उस रास्ते को तैयार करो। आगे 2-3 days ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಂದು ಅರ್ಧ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೀ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊರಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊರಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ 27 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇವರು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಮೇಲೂ ಇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಶಾಬತ್, ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಏನು, ಇವ್ರು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೇನಿಲ್ಲ ಸರ್? ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಬಾದ್ಗೆ, ಶಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಆಕಾಶ್ ಗಿಡ್ಲಾನ್, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಇದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊ ಬೆಹತರ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಲೇಕರ್ ಆನಾ, ಜೊ ಯಹಾಂ ಪೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ ಸಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಮ್ ಏಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬೋಲೆ ಸರ್, ಜಿನ್ಕೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಾ ಲೇಡೀಸ್ ಔರತೋ ಕಿ ಇಜ್ಜತ್ ಹಮ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ದೆ ಸರ್, ಔರತೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಹಾಂ ಪೆ ಹೋನಾ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 27 ಮೇ ಹೋನಾ, ಅಗರ್ ನಹೀ ಹೋಂಗಾ ತೊ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸಿ ಪೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಗೆ ತುಮ್ ಲೋಗ್ ಸರ್. ಲೈಟ್ ಕಾ ಮಸಲಾ, ಘರ್ ಕೆ ಬಾಹರ್ ಸರ್ ಬಚ್ಚೆ ರಹತೆ ಛತೋಂ ಪೆ ಪೂರೆ ವೈರ್ ಸರ್ ನೀಚೆ ಲಟಕ್ ರಹೆ ಸರ್, ಮೇನ್ ವೈರ್, अगर कोई बच्चे को अगर करंट लग गई होगा तो सर, अब हादसा वाले होने मालूम, मगर अगर हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन सर? किसी के भी आपके भी बच्चे हैं, आप तो भी वो बच्चों का मैम ये रहता है, इनके भी बच्चे हैं, मेरे को भी बेटी की सर, मेरे को उसकी तकलीफ है, मेरे को अगर उसको क्या भी होगा बोले तो क्यों है कि ऐसी नेग्लिजेंसी होगी सर? बड़े लोग हैं वह ये करेंगे प्रिकॉशन, बट बच्चों का कैसा सर? क्यों नेग्लिजेंसी किया जा रहा है? क्यों घरों के सामने मेन वायरों को पीछे करा जा रहा है? क्यों मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं हो रही? खंभों के लाइट्स पूरे बंद है एरिया के अंदर, एक भी पोल वहां पर लाइट चालू नहीं है, क्यों नेग्लिजेंसी किया जा रहा है? बच्चे जा रहे, बुजुर्ग जा रहे, खड्डे में गिरे, नाली में गिरे, बोलो तो कौन जिम्मेदार सर? सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला जो हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं वो है सर, जो जानवर खुले यहाँ जो शाबक में यहाँ पे फिर रहे हैं सर, ये मेरे को आइडिया नहीं है सर, ये फार्म की तरफ से है, एक फार्म जो वर्कर रहता है वो फार्म वर्कर से यहाँ पे इसको छोड़े हैं, यह लोग अपने आप से पैदा होकर है, मेरे को कुछ कही नहीं, बहरहाल यहाँ पे कई सारे लोगों को ये जानवरों से परेशानी है सर,
जानवर गाड़ी चला रहे, गाड़ी के नीचे जानवर आता है, लड़का गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है सर। ठीक है, नमाज के लिए हम निकलते सर, हम वो नमाज के लिए हमारा एहतराम है, हम वो चीज़ को ये नहीं करते सर। जब नमाज के लिए हम लोग जाते हैं सर, वहाँ पर ये लोगों को है ना, वहाँ पर वो लोग कीचड़ में से उछल कर जब जीते हैं ना, पूरा उसके ऊपर गंदगी उड़ गई। लगभग 500 से ज्यादा यहाँ पे जानवर है सर, वो जानवरों को क्यों नहीं हटाया जा रहा? कई सारे लोग वार्ड के लोग ये कंप्लेन करें कि इस जानवरों को हटाने के लिए क्यों म्युनिसिपैलिटी ये चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, क्या वजह है जानवरों को नहीं हटाने का? अगर ये किसी के फार्मर्स के अगर जानवर है तो वो फार्मर्स का काम है अपने फार्म हाउस में रखे, ना के रोडों पे या स्ट्रीट पे छोड़ा जाए। तो ये म्युनिसिपैलिटी ये डिपार्टमेंट का काम है कि ही हैज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दोस पीपल। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ದನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಡಲು ನಮಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವಂತ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆ ನಗರಸಭೆ ಆಗಲಿ ಈ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. रोड है नाली नहीं है, म्युनिसिपैलिटी वाले आके 10 बार आके देख के चले गए, बना तुम बोल रहे और बनाए नहीं कुछ नहीं वहाँ, और बाथरूम बना तुम बोलते लोग मुँह देखे बाथरूम बना ले रहे जिसका उन्होंने, हमारे तो बना रहे नहीं, हम जाके ये भी नहीं बना रहे। और नाली का पानी घर में आ रहा तो भी क्लियर नहीं कर रहे, परसों अनाउंस भी करे, अनाउंस करे तो भी आके देख रहे भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे मच्छर के लिए बीमार पड़ रहे सो है, टाइफाइड मलेरिया हो रहा सो है, हम गरीब लोग क्या करना बोलो। बना के 6-7 महीने 8-9 महीने छो गए, 1 रुपया आया ना, 1 रुपया कुछ भी अनाज भी आया, और बच्चे के स्कॉलरशिप बच्चे बने वो भी नहीं बने, लेकर को 500 रुपये को लेबर कार्ड बना के घर के रख डाले, चावल आ रहा राशन आ रहा लेबर कार्ड भी नहीं बन रहा, हम बना के 1 साल हो गए दिया, आए थे लेबर कार्ड भी नहीं आ रहे, हर राशन आ रहा था भी कम कर रहे थे, नहीं नहीं कम कर रहे, राशन राशन डालते हैं राशन कार्ड के ऊपर, वो भी 10 किलो करते थे, वो भी 5 किलो 7 किलो कर रहे हैं, गरीब ऐसा रहा तो कैसा ये होना आगे, लेबर कार्ड बना के बच्चे वाले है, हमें भी यही किया है, गरीब है हमें भी क्या था ना, घर में रहने वाले हैं, घर में रहने वाले हैं साथियों। मैं शेख सफन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, आज शाबत में हमारा एक पोटस रखा गया था लेबर विंग की तरफ से, क्योंकि बहुत अच्छा दिखा आज पोटस करके शाबत में, और हमको खुशी हुई शाबत की ओम हमारे साथ में है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हमारे साथियों की भी बहुत मेहनत रही, और वार्ड टू वार्ड जो हम विजिट किए 5 दिन जो शाबत के इशूज़ के ऊपर, और तमाम लोगों से हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात में हमको ये मालूम पड़ा कि जितने भी यहाँ के कॉरपोरेटर्स और MLA MP ये नाकाम हैं, नाकाम इसीलिए हैं कि इन्हों कुछ काम नहीं कर सकते, और उसको देखते हुए आवाम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में आप एक तरीके से सोच के वोट डालिए, वोट आपका इतना कीमती है कि आप समझ सकते होंगे आपके बच्चों का फ्यूचर है, और वो फ्यूचर को देखते हुए आपको वोट डाला है, ये नहीं कहता कि मैं कौन सी पार्टी डाला, लेकिन आपको ये देखना है कि युद्ध जो आपके बच्चों की भलाई के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के हेल्थ सेंटर के लिए जो काम करता है वो कैंडिडेट को वोट डालिए। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि आवाम को जो शाबत में जो आज प्रोटेस्ट किया था लेबर विंग की तरफ से, मैं हमारे आकाश उदलान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कंटिन्यू वो विजिट किए हमारे साथ में लेबर विंग के बैनर पर। ये जो कॉरपोरेटर की नाकामी है, ये कॉरपोरेटर की नाकामी की वजह से जो आज वार्ड की हालत हुई है, तकरीबन ऐसा है जो हमने विजिट किए 1-1 साल तक वो रोड पे लाइट का प्रॉब्लम, और तकरीबन लोगों तो ये तक बताया लाइट का पानी आता है, पानी तो नहीं आता मगर लाइट का बिल बराबर आता है, तो लाइट के बिल की वजह से भी पानी का जो प्रॉब्लम है, जो लाइट का इशू है, बहुत सारे इशू हैं, और सबसे बड़ा इशू यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू आता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है बेरोज़गारी का, और सेकेंड इशू आता है तो सबसे बड़ा यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन नहीं है, और यहाँ पर एम्बुलेंस की कुछ फैसिलिटी नहीं है, उसको देखते हुए हम तहसीलदार से हमारी एक मीटिंग भी हुई, और उससे हमें आश्वासन दिए कि वो जल्द से जल्द हम जो बताए वो पूरा काम करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आवाम को यही बताना चाहेंगे कि तकरीबन टाइम से हम काम कर रहे हैं शाबाद में कई दिन से, तो तकरीबन टाइम से हम विजिट कर रहे हैं, विजिट में हमारे को ये मालूम पड़ा है कि आवाम के बहुत सारे तकलीफ है शाबाद के,
उसको देखते हुए हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आकाश इजलान साहब यूथ हैं, यूथ को आप सपोर्ट करिए। और मैं नौजवान से भी शाबाश के ये कहना चाहूँगा, आप आकाश इजलान से मिलिए और हमारी शम्स ऑफिस, शम्स फंक्शन हॉल के ऑफिस है, विजिट करिए। अगर जो भी GDS ज्वाइन करना चाह रहे हैं आकाश इजलान साहब की रहनुमाई में और उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों, मैं शफी बाबा, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वर्किंग प्रेसिडेंट। हम शाबाद के अंदर लगातार पिछले एक महीनों से यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं और साथ ही साथ ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जितने भी वार्ड वाइज यहाँ पर जो भी इश्यूज़ है वो इश्यूज़ को लेकर हम तमाम सर्वे इसलिए किया कि यहाँ पर जो नालियों का पानी गंदा अपने अपने घरों के सामने ठहरता है और वहाँ पे बद जानवर जो पिगों की वजह से गंदगी बहुत सारी हो रही है यहाँ पर, तो हम इसको मद्देनज़र रखते हुए आज लेबर विंग और माइनॉरिटी को लेकर शाबाद के अंदर और हमारे आकाश रिदलान साहब MLA एस्परेंट को लेकर आज हम शाबाद के अंदर एक बड़े पैमाने पे एहतजाज किया गया है। हम इसके अंदर तहसीलदार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द ये शाबाद के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और यहाँ पर नालियों का काम, UGD का काम जल्द से जल्द किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा इसके ऊपर जल्द से जल्द एक बड़ा एहतजाज भी किया जाएगा। हमको इतना एक भरोसा है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, हम कभी भी कहीं भी हम प्रोटेस्ट किया है तो इसका रिजल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, लेबर इंचार्ज कल्याण कर्नाटका रीजन। मेरे साथ आकाश रितलान है जो MLA एस्पिरेंट ग्रामीण से है और तालुका लेबर प्रेसिडेंट शेख इमरान और तालुका यूथ प्रेसिडेंट अजहरुद्दीन। वीडियो पे आने का मकसद आज आप लोग ये जो प्रोटेस्ट आज करें, हम शाबाद तालुका में म्यूनसिपाल्टी डिपार्टमेंट के तरफ से कई सारे फेलियर मोमेंट हो गए यहाँ पर। इवन वार्ड वाइज भी हम लोग विजिट किए, वार्ड वाइज हर जगह जाए ड्रेनेज का और लाइट का, वाटर का, ये हर सारे इश्यूज आपको हर वार्ड में यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर उसको देखते हुए हम लोग ये प्रोटेस्ट कॉल आउट किए थे, जहाँ पर हम लोग मिस्टर तहसीलदार से हमारी बातचीत हुई और मेमोरेंडम के जरिए से हम लोग हमारे डिमांड्स को सेट किए यहाँ पर। और वी गॉट एक्नॉलेजमेंट के विद इन 15 डेज दे रेक्टिफाई द इशू। तो शाबाद के इशू में सबसे जो बड़ा मसला जो हम लोग यहाँ पर रेज किए वो है जानवरों का मसला, जो हर वार्ड में हर जगह जो जानवर है पिग जो जानवर वो रोडों पे आके कई सारे लोगों के एक्सीडेंट हो रहा, कई सारा गंदगी फैला रहे, कई सारे बच्चों को वो लोग काटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये इंस्ट्रक्शन ये करें कि पहले ये जानवरों को हटाया जाए, अगर ये किसी फार्मर के तरफ से फार्मिंग के लिए अगर छोड़ा है तो उसके फार्म हाउस उसका अलोकेट कर उसको वहाँ पर रिलोकेट करा जाए, पर स्ट्रीट से पूरे जानवरों को हटाया जाए। उसके बाद है ड्रेनेज का, घरों के बाजू भी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट के ऑफिस के बाजू भी यहाँ पर ड्रेनेज की गंदगी है। यहाँ पर ऐसे कई सारे मसले हैं जहाँ पर एक आवाज़ बनकर हम, आवाज़ हमारी नहीं, ये एक्चुअली आवाज़ है शाबाद की, आवाज़ बनकर हम लोग आए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो है इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि तहसीलदार और म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट विल एक्नॉलेज अवर इश्यूज और जल्द से जल्द इसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर रेक्टिफाई नहीं भी करेंगे तो डेफिनेटली विल हैव ए वेरी बिग प्रोटेस्ट और ये प्रोटेस्ट होगा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट विधानसभा में DC डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का काम है कि तालुका को रीच कर यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा देखना था। और साथ ही साथ मैं ग्रामीण तालुका शाबाद तालुका के लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जनता दल पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि आप अब तक कांग्रेस को देखे, BJP को देखे, ये लोगों को देखे कि फेलियर्स को देखते गए आप लोग, इस बार JDS को साथ दीजिए, क्योंकि JDS में ये बार नौजवान तकबे ग्रामीण से उतर रहे हैं, नौजवान आप लोगों के साथ है, किसी से डरने वाली बात नहीं, ना आपको एडमिनिस्ट्रेशन से डरना है, ना आपको पुलिस डिपार्टमेंट से डरना है, अगर आप हक पे है तो, अगर आप हक पे काम करेंगे तो बराबर हम भी आपके साथ ठहरेंगे और आपका साथ देंगे। तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वार्ड वाइज हम लोग कमेटी रिफॉर्म कर रहे हैं, अब यहाँ पर वार्ड वाइज कमेटी रिफॉर्म करके वार्डों में काम स्टार्ट होगा वही कमेटी के प्रेसिडेंट के जरिए से। आप लोगों से गुजारिश है, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, जो चाहते हैं शाहबाद में बदलाव लाना, एक इतिहाद को पैदा करना, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऑफिस सहारा फंक्शन हॉल के पास, शम्स फंक्शन हॉल के पास वहाँ पर ऑफिस है, आप वहाँ पर आकर, हमारे सेक्रेटरी सद्दाम साहब है, वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं ज्वाइनिंग का, हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करके आप लोगों को कंसिडर करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं आकाश रिडलान, JDS गुलबर्गा रूरल का MLA एस्पिरेंट। गुलबर्गा रूरल के शाबाद रीजन में
जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं कंटिन्यूसली हमारे मूवमेंट्स चल रहे हैं। जब वार्ड वाइज पब्लिक मीटिंग्स हुई, पब्लिक मीटिंग्स में हम लोगों ने बहुत सारे वार्ड्स के इश्यूज ट्रेस किए, ट्रेस करने के बाद नोट किया और उसके बाद इमिडिएटली एक प्रोटेस्ट कॉल आउट किया था। तो आज वो प्रोटेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो उसी के लिए इस मीडिया के माध्यम से मैं आज शाहबाद की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डरिए मत, आप अपनी हिम्मत से खड़े होकर हमारा स्टैंड लीजिए, अपना खुद का स्टैंड लीजिए। जितना स्ट्रांगली आप आओगे आगे उतने ही स्ट्रांगली हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आकाश रिडलान, गुलबर्गा रूरल MLA एस्पिरेंट और मेरी JDS लेबर विंग की टीम और कुमार अन्ना हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप कभी भी हमको बुलाकर देखिए, हमको आजमा कर देखिए, हम लोग हमेशा आपका स्टैंड लेंगे। और आज जो तहसीलदार को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, उस मेमोरेंडम में हम लोगों ने मेंशन किया है जो भी वार्ड्स के इश्यूज़ है, और उसके अलावा 15 दिन का टाइम हम लोगों ने उनको दिया है। इन 15 दिनों में अगर उन्होंने कुछ काम प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में DC ऑफिस के सामने हम JDS की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको बस आपको ये जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे गुमराह हो रहे हैं। हम कोई 500 रुपये देंगे, कोई 1000 रुपये देंगे तो हम उसके पीछे भागे चल जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि हमारे 500-1000 रुपये से हम हमारी ज़िंदगी नहीं संवार सकते, हम इन 500-1000 रुपये से हमारा मुस्तकबिल नहीं बता सकते, हम अपने ये 500-1000 रुपये से हम अपने आप को नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अच्छे इंसान और अच्छे आदमी का साथ देंगे तो आप अपनी नस्लें, इस मुस्तकबिल सब बताएंगे, सुधारेंगे। शाहबाद तालुका एक लाइमस्टोन के नाम से फेमस है, जिसे गुलबर्गी की जान और दिल कहा जाता है। और ऐसी सरजमीन से आकाश अडलानी साहब अपने पंजे गाड़ के निकलेंगे यहाँ से, इंशाल्लाह आपके मुस्तकबिल सुधारे तक वो चैन नहीं पाएंगे।